हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी हब फैमिली। तो आज हम करेंगे एनालॉगी। तो लेट्स स्टार्ट। इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, द फर्स्ट टू वर्ड्स हैव अ डेफिनेट रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप वी हैव टू चूज वन वर्ड आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स दैट हैव द सेम रिलेशनशिप विद द थर्ड वर्ड एज बिटवीन द फर्स्ट टू। तो ये क्या है एनालॉगी? जो क्वेश्चंस एस एनालॉगी वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि फर्स्ट दो वर्ड होते हैं उनमें डेफिनेट रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें कुछ वर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऑप्शन फॉर अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से हमें एक ऐसा वर्ड चूज़ करना है जो थर्ड से रिलेट करे। जैसे फर्स्ट और टू आपस में रिलेट करते हैं, वैसे ही हमें एक थर्ड वर्ड चूज़ करना है, हमें एक और वर्ड चूज़ करना है जो थर्ड से रिलेट करे। तो आज हम करेंगे एनालॉगी का पार्ट, सिंपल एनालॉगी। सो लेट्स स्टार्ट। अपेरल इज रिलेटेड टू क्लॉथ इन द सेम वे एज फुटवेयर इज रिलेटेड टू। तो अपेरल जो है वो क्लॉथ से रिलेट करता है। अपेरल हो गए परिधान, क्लॉथ हो गए कपड़े। तो अपेरल क्लॉथ जहाँ पे बहुत सारे कपड़े होंगे या जहाँ पे कपड़े बनते होंगे। तो फुटवेयर इज़ रिलेटेड टू लेसिस। अब फुट में जब हम पहनते हैं सिर्फ लेसिस हो ना शूज़ पूरा, तो लेसिस नहीं होगा। कॉबलर हो गया शूज़ बनाने वाला, लेदर हो गया कि जो शूज़ बनाने में यूज़ होता है, पर लेदर लेदर जैसे एक टाइप है। तो कुछ कपड़े के शूज़ भी होते हैं, कुछ किसी और चीज़ के भी शूज़ हो सकते हैं, कैनवस के शूज़ हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन है शूज़। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉबलर होगा, क्योंकि कॉबलर जो है वो शूज़ बनाते हैं। एज डिलीशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट, मेलोडियस इज रिलेटेड टू वॉइस, स्पीक, म्यूजिक एंड हाइनेस। जैसे कोई चीज़ हम खाएंगे तो कहेंगे डिलीशियस टेस्टी, वैसे ही मेलोडियस। तो मेलोडियस क्या होगी, किसी की आवाज़ सुनेंगे तो वो क्या होगी, मेलोडियस होगी। तो वॉइस जो है वो मेलोडियस रिलेट करती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू रिंग एंड टेनिस इज रिलेटेड टू पूल, कोर्ट, अरीना, ग्राउंड। पूल हो गया, पूल तो स्विमिंग पूल से रिलेटेड है ना, कोर्ट है, फिर अरीना हो गया अखाड़ा जो बहुत बड़ा, ग्राउंड से भी बड़ा होगा। डी हो गया ग्राउंड। तो टेनिस हम ग्राउंड में थोड़ा ना खेलेंगे, छोटा सा कोर्ट होगा, टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे कंसल्टेंट इज रिलेटेड टू डॉक्टर, पेशेंट से रिलेट करता है। तो कंसल्टेंट किससे रिलेट करेगा, कस्टमर, एक्यूज्ड, मैजिस्ट्रेट, क्लाइंट। तो कस्टमर तो शॉपकीपर के पास जाएगा, एक्यूज्ड होगा तो उसको जेल में ले जाएंगे, मैजिस्ट्रेट एक बहुत बड़ी अथॉरिटी, बहुत बड़ी पोस्ट, तो वो कंसल्टेंट के पास क्यों जाएगा। तो फिर लास्ट है क्लाइंट, तो कंसल्टेंट के पास कौन जाएगा, क्लाइंट। एज पेन, यहाँ पे इंक है, एज पेन इज रिलेटेड टू इंक, तो नीडल इज रिलेटेड टू पेन जो है वो इंक से रिलेट करता है। तो नीडल किससे रिलेट करेगी, थ्रेड, क्लोथ, स्टिचिंग आर्ट। और पेन और इंक के बीच में क्या रिलेशन है, जब तक पेन में इंक नहीं होगी तब तक हम उसे लिख नहीं पाएंगे। तो नीडल, क्लोथ, स्टिचिंग आर्ट ये तो काम करती है ना, पर नीडल में जब तक हम थ्रेड नहीं डालेंगे तब तक नीडल काम नहीं करेगी। तो इसका है ऑप्शन ए। देन बी इज रिलेटेड टू हाइव इन द सेम वे रैट इज रिलेटेड टू, बी जो है वो हाइव में रहती है, तो रैट कहाँ रहेगा, नेस्ट में तो चिड़िया रहती है, बुरो में नहीं, होल है, तो रैट कहाँ रहेगा, होल में। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, साइंस इज रिलेटेड टू लेबॉर्ट्री इन द सेम वे एज एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू, तो साइंस लेबॉर्ट्री से रिलेट करती है। तो एस्ट्रोनॉमी किससे रिलेट करेगी, ऑब्जर्वेटरी, टेलीस्कोप, स्पेस या स्टेशन। तो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी से रिलेट करेगी, क्योंकि हम जब भी किसी एस्ट्रोनॉमर के पास जाएंगे तो वो हमें ऑब्जर्वेशन देगा कि आपका ऐसे हुआ था और यहाँ पे अब ऐसे होगा। तो वो जब भी हम किसी एस्ट्रोनॉमर के पास जाएंगे तो वो हमें ऑब्जर्वेशंस देगा। तो एस्ट्रोनॉमी का हो गया ऑब्जर्वेटरी।
देन क्वेश्चन नंबर 8, शेफ इज रिलेटेड टू किचन इन द सेम वे साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू, शेफ जो है वो किचन में काम करता है तो साइंटिस्ट कहाँ काम करेगा, मेडिसिन में, फार्मेसी में, लेबॉरेटरी में या केमिस्ट? तो साइंटिस्ट जो है वो लेबॉरेटरी में काम करेगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, बाइब्लियोफाइल इज रिलेटेड टू बुक्स इन द सेम वे पेट्रॉइड इज रिलेटेड टू, तो बाइब्लियोफाइल हो गया बुक लविंग, तो बुक लविंग किसे, बुक लविंग हो गया बुक से रिलेटेड, इन द सेम वे पेट्रॉइड, पेट्रॉइड हो गया देशभक्त, तो वो किससे रिलेटेड होगा, डिफेंस, कंट्री, मैनकाइंड, सोसाइटी, तो पेट्रॉइड देशभक्त है ना तो वो कंट्री से रिलेट करेगा। ऑथर इज रिलेटेड टू बुक्स इन द सेम वे एज कोरियोग्राफर इज रिलेटेड टू, ऑथर हो गया जो बुक्स लिखता है, तो इन द सेम वे कोरियोग्राफर कौन हो गया, डांसर जो डांस करेगा, कोरियोग्राफर हो गया। ड्रामा इज रिलेटेड टू डायरेक्टर इन द सेम वे एज मैगजीन इज रिलेटेड टू, जो डायरेक्टर है वो ड्रामा से रिलेटेड है, तो मैगजीन, स्टोरी, एडिटर, रीडर या प्रिंटर, तो मैगजीन जो है वो स्टोरी से रिलेट नहीं करेगा, जो एडिटर है वो मैगजीन एडिट करेगा, तो रीडर, प्रिंटर ये नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा बी, एडिटर। थैंक यू।